अगर इस वीडियो को देखने पर भी तुमने एक्सक्यूज देने नहीं छोड़े तो इस वीडियो को यहीं छोड़ देना और फ्यूचर में मेरी कोई वीडियो मत देखना। अगर मैं तुम्हारे पैर का एक नाखून निकाल दूं तो क्या तुम चल पाओगे? अरे चलना तो छोड़ो, तुम खड़े भी नहीं हो पाओगे। ऐसी ही कहानी थी एक लड़की की जिसका सिर्फ एक ही सपना था कि उसे माउंट एवरेस्ट को फतह करना है, लेकिन बदकिस्मती से उसके हालातों ने उसका साथ बिल्कुल नहीं दिया। उसे चलती ट्रेन से नीचे फेंक दिया गया था और इस एक्सीडेंट में उस लड़की ने अपना एक पैर खो दिया था। सब लोगों ने उसे कहा कि कोई नहीं, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना तुम्हारी किस्मत में ही नहीं था, लेकिन उस लड़की को तो बस अपना सपना दिख रहा था। उसने ट्रेनिंग करनी शुरू करी, हालांकि ट्रेनिंग करते हुए उसे काफी दिक्कतें झेलनी पड़ी, लेकिन दिल में एक आग होने की वजह से उसने रुकना नहीं सीखा। लोगों ने उसे एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए मना किया, लेकिन वो लड़की कहां सुनने वाली थी। एक अलग ही जुनून सवार था उस लड़की के सर पर, और एक पैर ना होने पर भी उसने माउंट एवरेस्ट को फतह करके दिखाया। ये लड़की और कोई नहीं, अरुणिमा सना है। इसे कहते हैं जुनून और आग अपने सपनों के लिए। अगर तुम्हें खाना ना मिले और तुम्हारे पास रहने के लिए घर भी ना हो तो तुम क्या करोगे? ऐसा ही कुछ हुआ था एक बंदे के साथ जो बोलते वक्त हकलाता था और उसे एक सिंगर बनना था। उसने फुटपाथ पर बैठकर अपनी सिंगिंग प्रैक्टिस की और जिसे ये नहीं पता था कि उसे अगले टाइम का खाना मिलेगा भी या नहीं। जरा सोच के देखो किस लेवल की जिद होगी उस बंदे के अंदर अपने सपनों के लिए। और उसे कामयाबी एक झटके में नहीं मिली, ना जाने कितनी म्यूजिक कंपनीज ने उसे सिर्फ ये कहकर निकाल दिया कि वो कभी सिंगर नहीं बन सकता। अगर ये सब चीजें हमारे साथ हो जाए तो हम बिल्कुल टूट जाते हैं, लेकिन वहीं पर ये लोग रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। ये बंदा और कोई नहीं, एड शीरन है, जिसने शेप ऑफ यू जैसे कई जबरदस्त गाने दिए हैं। वक्त की एक बात बताऊं, ये बदलता जरूर है और साथ भी उन्हीं का देता है जो मेहनत करना जानते हैं। दिल में अगर अपने सपनों के लिए आग है ना, तो पूरी दुनिया तुम्हारे सामने झुक जाती है। ये जुनून ही है जो एक गरीब माली के बेटे को क्रिस्टियानो रोनाल्डो, एक टिकट बेचने वाले को महेंद्र सिंह धोनी और एक एक्टर को साउथ का भगवान बना देता है। तो ये तुम्हारे ऊपर है कि तुम एक भीड़ का हिस्सा बनते हो या भीड़ की वजह। बहुत हिम्मत चाहिए जो किस्मत में नहीं है उसे हासिल करने के लिए। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से तुम जरूर कुछ सीखोगे और बहाने बनाना बंद करोगे। थैंक यू। साइनिंग आउट, संस्कारी विशाल।